सनी जान वीलोग, और आज हम बात करेंगे कि तुर्की का जो ई वीज़ा, मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि ये जो ई वीज़ा है ये तुर्की का लेना है तो किस तरह लें। तो ये जो यूट्यूब पे और कुछ सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रही हैं वो उन्होंने पूरा सच नहीं आपको बताया। ये जो ई तुर्की का ई वीज़ा है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास शेंजियन वीज़ा या यूके का वीज़ा या बड़ी कंट्री का जिनके पास वीज़ा, ये तुर्की का ई वीज़ा उन लोगों के लिए है। बाकी आप अभी भी इनकी वेबसाइट पे जाके देखें, VFSPA, तो वहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट मिल रही है। अगर ई वीज़ा शुरू होता है तो वहाँ से अपॉइंटमेंट उनको बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल रही है। इसका मतलब है कि ई वीज़ा आम लोगों के लिए नहीं है। और अगर कोई एजेंट आपको ई वीज़ा ले भी देता है तो आपको UAE से, दुबई से या कहीं से भी आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगी। ये सब आधी खबर आपको दी है जिन लोगों ने भी दी है कि तुर्की का ई वीज़ा स्टार्ट हो गया और आप ई वीज़ा लेके तो तुर्की ई वीज़ा पे जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आधी खबर है जो यूट्यूबर्स ने और कुछ जो हल्के यूट्यूबर हैं जिनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिन्होंने वेबसाइट पर पूरी खबर पढ़ के भी आप लोगों को नहीं बताया कि ये ई वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिनके पास शेंजियन वीज़ा या यूके का वीज़ा, तो ये खबर गलत है। तो आप ख़ुद भी जाके इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसी कोई खबर नहीं है कि आम लोगों के लिए ये वीज़ा शुरू किया गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।